प्रेसवार्ता का उद्देश्य जो है वो पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है 24 और 25 तारीख को। इसमें 24 तारीख को जो गवसिद्ध हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के जो गवसिद्ध हैं, उन सबका रीट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे 24 तारीख को। और 25 तारीख को सुबह जो है वो 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक गुरुजी जो हैं, हमारे गुरुजी श्री निरंजन वर्मा जी जो हैं, वो सभी गौ भक्तों को संबोधित करते हुए किस प्रकार गौ माता से हम स्वस्थ रह सकते हैं, गौ माता को अपने जीवन में ला करके हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, उनके गव्यों, उनके पांचों गव्य, दूध, घी, छाछ, गोबर और गौमूत्र, जिसको आयुर्वेद में पंचगव्य कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करके किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं, जटिल और असाध्य रोगों की किस प्रकार पंचगव्य से चिकित्सा हो सकती है, और फिर किस प्रकार भारत की, हमारे समाज की सभी समस्याओं का समाधान गौ माता के पास में है, इस विषय पर जो है गुरु जी का व्याख्यान रहेगा, जिसका लाइव प्रसारण जो है वो पंचगव्य विद्यापीठम के फेसबुक पेज से रहेगा, और इसके साथ साथ जो है वो विश्व जागृति टीवी यूट्यूब चैनल से भी जो है इसका लाइव प्रसारण जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। किस संदर्भ में रखी गई आज? आज जो पत्रिका वार्ता रखी गई है 24-25 तारीख में, ये लाली गांव है, यहाँ से पास में ही 10 किलोमीटर पर, वहाँ पर एक तरह से कहिए कि रिसर्च सेंटर छोटा सा अपने ज़िले का, यहाँ उसकी शुरुआत होगी, उसका उद्घाटन भी होगा, और अपने कांचीपुरम से डॉक्टर निरंजन वर्मा जी, जो वहाँ यूनिवर्सिटी गव्य सिद्ध की जो यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ गव्य सिद्ध लोगों को मतलब वहाँ डिप्लोमा दिया जाता है, डिग्री दी जाती हैं, वहाँ उसकी शिक्षा दी जाती है, तो गाय के ऊपर, तो वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और इसके साथ में मुख्य वजह ये है कि गाय हम सब लोगों से दूर होती जा रही है, हम लोग गाय की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए गाय दर दर की ठोकरें भी खा रही है, सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। बाबा जी चाह रहे हैं, बाबा जी ने कई गौशालाएं यहाँ अभी 30-32 अस्थाई गौशालाएं फिर खुलवाई हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं। तो इसकी समाज के बीच में ये विषय जाए कि गाय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, तो वो गौशाला में जाएगी नहीं। हम जब ये समझ जाएंगे गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य से चिकित्सा, गाय के गोबर मूत्र से खेती, जो मूल जो उसका स्रोत है, जो खाद जिसको हम प्रयोग करने लगे, आज हम उससे भटक गए, तो उसके साथ साथ में हमें कितनी बीमारियां हमको मिल गई हैं, कैंसर जैसे असाध्य रोग गांव-गांव फैल रहे हैं, और यहाँ अपने ज़िले में तो एक भांडरी गांव है, उसमें हर घर में कैंसर का रोगी है और उनकी मौतें हो चुकी हैं, पूरे देश के अंदर ये हालत हो चुकी हैं। WHO की रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो कहते हैं कि 2025 तक 87% कैंसर के रोगी इस देश के अंदर होंगे। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो आगे जो 87% हम 87% नहीं मानते हैं, 50% 40% भी अगर ये इस तरह की स्थिति बनती है तो हमारे देश का क्या होगा। देश, ये भारत देश है दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर वाला देश बनने वाला है, अगर हम यहाँ से नहीं बदले तो। हम ये गौ सेवा के माध्यम से, मैं इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में रहूँगा, और इस महिमा के माध्यम से जो गौ आधारित खेती हम लोग कराना शुरू किए हैं, गाय के बारे में सब लोगों को जानकारियां दे रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं, और यहाँ सब जगह हम लोग ये, यहाँ देखिए ये गाय के गोबर से गणेश बनाए गए, ये सामान्य ऐसे ही नहीं बना दिए गए, ये गणेश बन गए और बिक्री हो गई। भाई इसके अंदर गाय का